हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल के इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, यानी एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। तो देर किसी बात की, चलिए सीखते हैं। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जीमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि जीमेल अकाउंट के माध्यम से ही हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है और चैनल वेरिफिकेशन के लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और सर्च बार में youtube.com सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि YouTube का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इसके दाईं ओर ऊपर में साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे ईमेल आईडी से यह लॉगिन हो चुका है। तो सिंपली हम लोगो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां एक ऑप्शन है क्रिएट ए चैनल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस प्रकार का दो ऑप्शन आएगा। आप यहां देख सकते हैं यूजर नेम, यानी कि आपका ईमेल आईडी जिस नाम से, अगर उसी नाम से अब अपना चैनल का नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर अपना कस्टम नाम यानी कि यूनिक या तो फिर अलग रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं चैनल नेम, एडीए चैनल नेम, यानी कि आपको यहाँ अपने चैनल का नाम देना, आप जो भी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ अपने चैनल का नाम इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार के वेब पेज ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड पिक्चर, यानी कि आप यहाँ पे लोगो या तो फिर प्रोफाइल पिक्चर सेट करने के लिए बोल रहे हैं। आप यहाँ अपने पसंद का फोटो या फिर अपने चैनल का जो लोगो अगर बना रखे हैं पहले से तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे देखते हैं चैनल डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ अपने चैनल के बारे में बता सकते हैं कि आपके चैनल पर किस प्रकार की वीडियो देखने को मिल सकती है, या तो फिर आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड होगा उसके बारे में आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट से अगर इसमें लिंक करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ट्विटर का भी है, इंस्टाग्राम। तो फिलहाल मुझे नहीं करना है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारा YouTube चैनल कितनी आसानी से और इजी तरीके से हमारा YouTube चैनल बनकर तैयार हो गया। आप भी अपना YouTube चैनल इन्हीं सिंपल स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास जीमेल अकाउंट, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उसके बाद youtube.com सर्च करेंगे। उसके बाद साइन इन या लॉग इन फ्रॉम जीमेल अकाउंट। उसके बाद क्रिएट ए चैनल। अगर आप अपना अगर कोई भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड वीडियो पर सिंपली क्लिक करेंगे। गॉट इट। सेलेक्ट फाइल। उसके बाद आप जो भी फाइल या फिर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसको सिंपली ओपन कर लेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि हमारा वीडियो अपलोड ही हो रहा है।
उसके बाद हमारे पास इस प्रकार के एक वेब पेज ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स, यानी कि यहाँ आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। अब जैसे टाइटल, वीडियो का टाइटल, टाइटल यानी कि आप जो भी वीडियो अथवा सॉन्ग अपलोड करेंगे उसका नाम यहाँ एंटर करना है। उसको डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी कि आपके वीडियो के अंदर किस चीज़ के बारे में अथवा फिर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंटर करना है। तो हम फिलहाल यहाँ लिख देते हैं फेसबुक इंट्रो। उसके बाद नीचे थंबनेल का ऑप्शन है। एक और ज़रूरी सेटिंग जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चैनल वेरिफिकेशन के लिए हमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, तो अब तो चैनल वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क का एक साइन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी कंट्री है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वीडियो एलिमेंट्स। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एड एंड इन स्क्रीन एंड एड कार्ड। एड एंड इन स्क्रीन यानी कि आपके वीडियो के अंत में अगर आप कोई और वीडियो पहले से बना के रखे हैं और उस वीडियो को डालना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो आप यहां आसानी से ऐड कर सकते हैं एड पे क्लिक करके। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है विजिबिलिटी। सिंपली यहां हम पब्लिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वीडियो 20 सेकंड का है जो कि अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक भी व्यू शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी अभी तो मैंने वीडियो अपलोड ही किया है। इसके इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप अपना बहुत सारा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़।